चलें, चलते हैं और देखते हैं। ये भाई भी से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। लगता है भाई नाराज हैं, घर से लड़के आए हैं। This one is specially for Yusuf. यहाँ पे होता तो बड़ा enjoy करता। I wish के यहाँ पे साथ होता मेरे। आग लगी बस्ती में, दोस्त अपनी मस्ती में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से हैं? तो आज की कुछ स्टोरी ऐसे है कि आज मैं आपको लेकर आया हूँ फैन फेस्टिवल में। मैं इस वक्त अलविदा पार्क के बिल्कुल साथ में, फैन फेस्टिवल है और यहाँ पे मौजूद हूँ और मेरे साथ एक और दोस्त भी आए हैं। आए आपको उनसे मिलाते हैं। ये अब्बासी साहब हैं, मेरे फ्रेंड हैं। भाई साहब, ये जी मेरे दोस्त हैं भाई साहब, और आज इनको साथ लेके चलेंगे और आज कुछ देखते हैं यार। एंजॉय करने का मूड था, पहले मैं यहाँ पे नहीं आया तो हमने कोई डिसाइड किया कि यार आज यहाँ पे आते हैं और आके तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या माहौल है। ये देखें, सो दिस वन इज़ द एंट्रेंस। ये फैन जोन की एंट्रेंस है। तो चलें अंदर चलते हैं और अंदर जा के तो वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेज वगैरह बना हुआ है, कुछ डीजे वगैरह का सिस्टम है, कुछ मनोरंजन है अंदर। तो अंदर देखते हैं कि क्या माहौल बना हुआ है। बड़ी दुनिया है यार, इधर भी बड़े लोग आए हुए हैं। आज दरअसल मैच है उसका, अर्जेंटीना का और क्रोशिया का, और मैं तो अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो चलें कमेंट में आप भी बताएं कि आपने किसको सपोर्ट कर रहे हैं और मैचों से ना कौन जीतेगा। तो चलें चलते हैं और देखते हैं। ये भाई भी से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। लगता है भाई नाराज हैं, घर से लड़के आए हैं। वैसे सलाम लगी और ना के जवाब नहीं था। तो मैं अभी आ गया हूँ फैन फेस्टिवल के बिल्कुल अंदर खड़ा हूँ और ये सारे यहाँ पे मंजर हैं, नज़ारे हैं और धूम है। ये पीछे जो है कुछ यहाँ पे स्टेज बनाया हुआ है इन्होंने और यहाँ पे कुछ डीजे वगैरह आया हुआ है, सिंगर है साथ कुछ। एक सेकंड में जरा नजदीक जाके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये था सिंगर यहाँ पे जो मनोरंजन कर रहा था। ये तो यहाँ पे सारी रात चलता रहेगा। चलें कहीं और पीछे देखते हैं, निकलते हैं और यहाँ भी ऊंचा मिलते हैं। ओ भाई वो ये काम, वो इसका मैच है, ये यहाँ बैठा हुआ है। इंटरेस्टिंग सी जगह है यहाँ पे, ये कुछ गेम हो रही है। ये देखिए सामने, ये चाचू जो है हमारे मेसी को कम्पीट करना चाह रहे हैं।
लेकिन रश जा रहा है तो मेरे ख्याल से आगे कवर नहीं कर सकेंगे। ये देखें किया का नया मॉडल है, ये क्या प्यारा कलर है, लुक फैंटास्टिक। ये कुछ यहाँ पे गेमिंग जोन बनाया हुआ है किया ने। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आंटी क्या करवा रही है। अच्छा इसकी भी लाइन लगी हुई है, ये कुछ चैलेंज है आई बिलीव। चलें देखते हैं ये क्या करवा रही है आंटी। ये जी अनीस भाई जो है ड्राइव करने लगे हैं। और छोड़े यार अनीस भाई जो है ना मजा नहीं दिला रहे। वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना एंटरटेनमेंट की जोन से है ना मौके मौजूद हैं। चले आ जाते हैं, यहाँ से निकलते हैं। ये देख ले जाते हुए अनीस भाई को, उनका नहीं दिल कर रहा उतरने का। नहीं नहीं उतरे हैं यार, मेरी लगता है आवाज़ से लगी है। देखें दोस्तों एक्सपो 2023 दोहा कतर, अमेजिंग। सो ये देखें यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हो रही है इसकी। Be ready for this expo also. चीज़ अगर आप नोट करें तो जैसे दूसरी कंट्रीज में होता है, लेट से आप कंट्री रशिया में लें, रशिया में हुआ था वर्ल्ड कप, तो वो इतनी बड़ी कंट्रीज हैं कि डिफरेंट सिटीज़ में उनके मैचेस होते हैं। लेकिन इस दफ़ा यहाँ पे ऐसा नहीं था, ये थोड़ी जगह थी और मतलब सारी दुनिया के जो भी स्पेक्टेटर्स थे वो एक जगह के अंदर मतलब इकट्ठे हुए थे। like, अगर दूसरी सिटीज़ में होता है, दूर दूर होता है, तो लोगों को मौका नहीं मिलता आपस में इकट्ठे होने का, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे सारे के सारे एक जगह पे इकट्ठे हुए थे। दैट्स वाई मतलब ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। ये देखें बच्चों के लिए उन्होंने बॉलिंग का बनाया हुआ है। दिस वन इज स्पेशली फॉर यूसुफ, यहाँ पे होता तो बड़ा एंजॉय करता, आई विश कि यहाँ पे साथ होता मेरे। ये देखें कुछ ये बंदे जो है बैठ के ताश खेल रहे हैं, अपनी मस्ती में मगन है कुछ लोग। चाहे भाई वर्ल्ड कप हो रहा है, आग लगी बस्ती में, दोस्त अपनी मस्ती में। इनको क्या लगे भाई कि वर्ल्ड कप हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पर तो ताश हो रही है, यहाँ पे तो चेस चल रही है, लगता है मियाँ बीवी खेल रहे हैं और इसमें मियाँ तो जीत नहीं सकता। ये था फैन फेस्टिवल और ये सारे के सारे जो उनसे है ना यहाँ पे मज़े हो रहे हैं। फैमिलीज आई हुई हैं, दोस्त आए हुए हैं और हमारी तरह के लोग कुछ अकेले भी आए हुए हैं। तो चलें इंशाल्लाह दोस्तों फिर मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।